फिर आगे आयत नंबर 67 में फरमाया, लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, और हमने हर उम्मत के लिए एक जाहिर तरीका मुकर्रर किया था जिस पर वो चलते हैं, फिर उन्हें तुम्हारे साथ उस मामले में झगड़ना नहीं चाहिए, उस मामले के अंदर झगड़ना नहीं चाहिए, और अपने रब की तरफ दावत दो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। अब ये बहुत अहम आयत है, अहम आयत तो कुरान की वैसे सारी अहम आयत ही होती हैं, लेकिन अहम आयत जहाँ पर हो जाती है कि जिस चीज़ के गलत समझ लिया गया उस चीज़ को, जो माशरे के अंदर या लोगों के अंदर वो आयत का गलत समझाइश दे दी गई या उसको गलत समझ रहे, तो फिर उसको सही समझ के लिए वो अहम आयत हो जाती है, कि उससे क्या होगा, इख्तलाफ ख़त्म होंगे, आपको समझ आएगी। तो मनसक, मनसक कहते हैं कि तरीके को, कि अल्लाह ने हर उम्मत को, जो उम्मतें आई जो रसूल के साथ में, उनको एक मनसक दिया, यानी उनका एक तरीका दिया उनके चीज़ों का, तो उसमें वो मनसक जो है वो नज़र आता है, क्योंकि बाकी जो दीन का हिस्सा है, ईमान का जो हिस्सा है, जैसे तौहीद है, तो तौहीद जो है नज़र नहीं आती, ईमान की जितनी भी चीज़ें वो नज़र आती नहीं। रसूल पर ईमान लाना, तो रसूल पर ईमान लाना, तो वो भी नज़र नहीं आएगा। वो कब आएगा कि वो रसूल जो बता रहा है उसके हिसाब से आप उसका माने, उस पर अमल करें, तो वो चीज़ दिखेगी, नहीं तो वो नज़र नहीं आएगी। रसूल पर ईमान तो वो भी नहीं दिखता, कैसे ईमान, रसूल चले भी गए तो वो तो और भी दिखेगा नहीं। तो ये कि जो तरीके दिए, नज़र वो आएगा जो अमल कर किया गया उसके ऊपर, वो नज़र आता है, ईमान की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो जो तरीके दिए गए थे, जो मनसक दिए गए थे, तुम उस पर क्यों झगड़ते हो, उस पर तुम क्यों झगड़ा करते हो, तुम तो बस अपने रब की तरफ दावत दो, और इसमें इख्तिलाफ रहा। अब इस ये जो इसको ये समझा गया इस आयत के बारे में कि वैसे कि जो कर रहा है, गैर जो कर रहा है वो उसको करने दिया जाए, हमको हमारे अमल से मतलब है, जो हम कर रहे हैं उससे मतलब, वो उनके करे तो उनके मतलब, तो ये जो अपने अपने तरीके पर रहो, तो ये नहीं है। इसमें ये है कि शैतान ने जो अल्लाह जो अहकाम जो देता था, तो उसके अंदर शैतान मिलावट कर देता था, फिर अल्लाह वापस उसको सही लाता था, और अल्लाह ने कहा कि हम, कुरान में कहा भी गया अल्लाह ने कि हम एक चीज़ जब मनसूख कर देते हैं तो दूसरी चीज़ उसको लेकर आते हैं, फिर से दोबारा लेकर आते हैं, जो भुला दी जाती है तो उसको भी वापस लाई जाती है, तो यानी जो भूल गए बिल्कुल ही, लोग उन्होंने भुला दिया, तो उसको फिर से अल्लाह वापस लेकर आता है, जो मनसूख कर देता है यानी जिसमें मिलावट कर दी शैतान ने, उसको फिर से वापस से लेकर आता है, दूसरे शरीयत में, दूसरे नबी के साथ में, दूसरी किताब के अंदर फिर से लाता है, तो मिलावट से पाक होती है। अब ये है कि पहले ये होता था कि जो रसूल आते थे तो वो एक तो खास एरिया के लिए होते थे, कि उस वक्त ऐसे साधन नहीं थे कि रसूल यहाँ भी चले जाए और वहाँ पर भी चले जाए, आज तो है साधन, उस वक्त नहीं थे, तो और बातें जो थी वो भी पहुँचाई जा नहीं सकती थी, और उस वक्त रसूल आए जिनको ये लगता था कि हर उस वक्त के अंदर लोग अलग अलग खितों में, दुनिया के अलग अलग जगह पर रहते थे, और उनको ये लगता था कि बस हम ही हैं पूरी दुनिया के अंदर और दूसरा कोई नहीं, जब तक कि उन्होंने एक दूसरे को नहीं खोजा, तो हर जगह जो रहता था तो वो समझता था कि हमें अकेले दुनिया में और कोई ही नहीं, तो उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। तो फिर अल्लाह हर एक कौम के अंदर नबी और रसूल भेजता था, अहकामात उसमें भेजता चला जाता था, तो ये उसमें होता रहा। तो उसके बाद में फिर आखिरी में जब ये इल्म अल्लाह ने लोगों को दे दिया, उसके कंट्रोल में दे दिया, कि वो किस किताब को वे महफूज करने के तरीके आ गए, यानी पेपर आ गया, पेपर के बाद में और महफूज के तरीके हमारे पास में आ गए, कि अब उसके अंदर मेमोरी में उसको कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बन सकती है हर चीज़ की, और तमाम तरीके रिकॉर्ड करने के हमारे पास में आ गए, तो वो महफूज हो गया। एक अल्लाह का महफूज करना ये भी है, इसलिए उनने फिर इस किताब को महफूज कर दिया, और फिर जराए भी है कि एक दूसरे तक पहुँचाने के जराए आ गए, हम खुद दुनिया पहुँच सकते हैं, और हमारे पास में जो मोबाइल है या जो इंटरनेट का जरिया है उससे हम किसी तक दुनिया के अंदर वो बातें पहुँचा सकते हैं, तो महफूज हो गया। तो फिर अल्लाह ने इसको महफूज कर दिया कि अभी इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, इसके अंदर शैतान अब दाखिल नहीं हो सकता, इसकी हिफाजत अल्लाह ने कर दी, इसलिए आखिरी कलाम अब यहाँ पर भेज दिया गया। तो तुम जो झगड़ते हो, तो तुम झगड़ते हो शरीयत के हिस्सों के ऊपर झगड़ रहे हो, तो शरीयत के हिस्सों पे, तो बाद हिस्से जो है शरीयत के बदल जाते हैं, तो तुम्हारा काम क्या है, तुम असल दीन की तरफ आओ, इस शरीयत के हिस्सों पर मत झगड़ो मत, क्योंकि शुरू से ही जो है दीन यही रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शुरू से दीन यही रहा, कैसा रहा है कि वो जो दीन का हिस्सा, ईमान का हिस्सा, वो उसके अंदर वही का वही, उसके अंदर कभी तब्दीली, जो तब्दीली आती है लोगों के हिसाब से और माहौल के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से, तो वो शरीयत में तब्दीली होती है। शरीयत कौन सी चीज़ें, जो हमारे एकामात है, नमाज, रोज़ा, जकात और ये सारी जो देना है, इसके अंदर तब्दीली होती रहेंगी, हर दौर के अंदर ये तब्दीली होती रही, किसी के लिए तीन नमाज थी, मूसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से आता, उनके लिए तीन नमाज थी, हमारे लिए पाँच, किसी के लिए ज़्यादा होगी, तो ये होता रहा है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं।
और लेकिन जो दीन जो रहा है ईमान का हिस्सा, वो शुरू से एक ही रहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कयामत तक वही रहेगा, इसको कहते हैं दीन। और जो तब्दीली वाली चीज़ें, वो शरीयत वाली, शरीयत उसको कहा जाता है, एहकाम शरीयत जो है। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि शुरू से यही रहा है, तो तुम जो है अम्र पर क्यों झगड़ते हो, इन चीज़ों पर क्यों झगड़ते हो, और इसमें झगड़ने की बात नहीं है, बुनियाद पर ना झगड़ो। तुम ये दावत दिए चले जाओ, ये दावत दिए जाओ, कौन सी दावत दिया कि अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ, इस पर मत भज झगड़ो कि ये इनका तरीका क्या है। वो एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है, एक आदमी जो है चर्च जा रहा है, एक आदमी फला जगह वो अमल कर रहा है, तो उस पर मत झगड़ो कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो मनसक है, वो तरीके हैं, वो तरीके पहले दिए गए थे, उसके अंदर कुछ तब्दीली करके वो आज भी चल रहा है, उनके तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल क्या था, असल वो था कि अल्लाह की तरफ बुलाना। तो तुम उस तरीके की तरफ उनको दावत दो, उस चीज़ पर झगड़ो मत कि यार तुम्हारा ये तरीका गलत, कि दीन असल है वो दीन की तरफ बुलाओ, उस पर जो है शरीयत वाले हिस्से पर ना झगड़ो, बुनियाद पर आओ, तो अम्र पर आ जाओ, ये असल जो अल्लाह का हुक्म है, अम्र है, उस पर तुम आ जाओ। तो शरीयत भी, ये भी दीन का हिस्सा ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ जमाने के अंदर वो तब्दील होता रहा है, तो उस पर ना झगड़ो। तुम्हारे पास भी आया था, यानी तुमको भी ये दिया गया और उनको भी एक दिया गया था जो तरीका था, तो यही करोगे तुम, इस पर अमल करो, जो असल जो है उसके ऊपर उसकी दावत दो, और फिर जो तुम्हारे पास में आया उस पर तुम अमल करो, तो तुम सीधे रास्ते पर हो।